नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पीयू सुजीत किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश बिरयानी। फिश बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है कातला मछली 3 बड़े पीसेस, फिर हमने लिया है नींबू का रस, हल्दी और नमक। पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें हमने पहले डाला हल्दी 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच नींबू का रस। स्प्रेड कर लेंगे। अब हमें थोड़े समय के लिए इसको साइड में रख लेंगे। अब कढ़ाई हमने लिया, इस पर हमने शैलो फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल डाला। तेल गर्म होते ही हमने इसमें फिश फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब हम पलट देंगे। एक साइड से पक चुका है, दूसरी साइड को पलटी कर लेंगे। अब फिश हमारा पक चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम राइस बनाने की प्रक्रिया में जाएंगे। हमने राइस को सोक कर लिया है और आपने देखे हैं होल स्पाइसेस, वो भी हमने ले लिए थे। अभी हम पानी गर्म किया हमने। अब उसमें हमने डाला लौंग, ब्लैक पेपर, फिर डाला हमने एक क्लव, ब्लैक कैडमॉम एंड ग्रीन कैडमॉम, तेजपत्ता, स्टार एनीस एंड जावित्री, और हमने 1 चम्मच तेल डाला, हल्का सा नमक डाला स्वाद अनुसार, एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। अब हम उसमें 1 चम्मच, एक से थोड़ा ज़्यादा हमने नींबू का रस डाला है। अब जो सोक किया हुआ राइस है वो हमने डाल लिया। 3 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देख लेंगे राइस खिल चुका है, बन चुका है राइस हमारा। अब इसको ड्रेन कर लेंगे वाटर। अब हम बनाएंगे फिश का मसाला, जिसके लिए हमने लिए हैं खड़े मसाले, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और पाउडर मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी, रेड चिली पाउडर। बिरिस्ता हमने लिया हुआ है। पहले कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हमने तेल गरम किया। उसमें हमने खड़ा मसाला में सबसे पहले जीरा डाला, फिर हमने डाला कैडमॉम, फिर हमने डाला क्लव, दालचीनी और तेजपत्ता। अब हमने इसमें डाल दिया 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम एक मिक्स बनाएंगे, जिसमें हमने पाउडर लिए हैं सारे, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने हल्दी डाला, ये मिक्स को हम जो जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई कर रहे हैं उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। जैसे मसाला थोड़ा बन जाता है, अब उसमें हमने डाला बिरयानी मसाला, बिरिस्ता डाला हमने इसमें, नमक स्वाद अनुसार मसाला चलाते रहेंगे। अब इसमें हमने अपने फ्राइड फिशेस डाल लिए हैं। हल्के हाथों से हम इनको मिक्स कर लेंगे ताकि फिश टूटे ना। अब इसमें हल्का सा हमने पानी डाल लिया ताकि मसाला जो नीचे लग चुका है हम उसे निकाल सकें। इसको लो फ्लेम में ही कुक कीजिएगा। अब हम बिरयानी बनाने की प्रक्रिया में जाते हैं। हमने लिया है चॉप करियंडर, मिंट एंड ग्रीन चिली। ये राइस हमने पहले से ही उबाल के रख लिया था। अब हमने लिया है केवरा वाटर, रोज़ वाटर, बिरिस्ता एंड थोड़ा सा सैफ्रन पानी में हमने भिगो के रखा था। अब हम बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उसमें हमने तेल डाला 1 बड़ा चम्मच, उसमें हमने राइस नीचे बेस बना लिया। अब हमारे जो फ्राइड पीसेस विथ मसाला है उसको हमने डाला। 3 से 4 हमने ग्रीन चिलीज डाले हैं, बिरिस्ता हमने डाल लिया इसके ऊपर, इसके ऊपर हमने डाला चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट। कवर कर लेंगे इसको बचे हुए राइस से, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे बिरिस्ता, चॉप्ड कोरिएंडर एंड मिंट, रोज़ वाटर,
केवड़ा वाटर और सैफ्रॉन वाटर। अब हम इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे। हमने एक एल्युमिनियम फॉइल लिया है सील करने के लिए। इसको हम हेवी लीड के साथ कवर कर लेंगे। अब हमने एक तवा गर्म कर लिया था। अब तवे पे हम इस कंटेनर को रख लेंगे। 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम में रखेंगे। अब हमारा बिरयानी बन चुका है। अनपैकिंग करने की टाइम आ गई है। अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से दिख रहा है, बिरयानी बन चुका है। ऊपर जो राइस है उसको एक साइड निकाल लेंगे। अभी हमें फ़िश निकालना है प्लेट में, इसलिए अब देखिए फ़िश देखिए बड़ा अच्छा दिख रहा है। आप भी घर पे बनाइएगा इसको और हमें बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।